किलो के हिसाब से इनके पास रजिस्ट्रियां होती हैं, एकड़ के हिसाब से जमीनें होती हैं और लोग यहां पर खरीदते हैं हजारों गज के हिसाब से। सभी भाइयों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। और मैं आपका आलम चौधरी, ठीक है जी, आपका भाई, आपके लिए प्रॉपर्टी लेकर आया हूँ। जैसा माल आपको चाहिए वैसा माल आपको लगा करके दिया जाएगा। यहाँ देख सकते हैं ऊपर लेंटर डल चुका है, कंप्लीट हो चुका है और लड्डू भी बट चुके हैं। लड्डू भी आज हमने खा लिए। क्या बात है दोस्तों, यहाँ पर हर रोज कहीं ना कहीं लेंटर डलता है, एक घर रोज बनता है। तो इधर एक दुकान निकलवाई हमने। क्या बात है, देख सकते हैं। बोल रहा कि दुकान निकलवा लो। अच्छा अच्छा, तो आपकी दुकान ये नया एरिया है भी, हाँ। तो चल जाएगा, इसमें रेंट पे चली जाएगी, रेंट पे भी चल ले। क्या बात है, खोल सकते हो आप दुकान। यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी चीज है, आपको पैसा एक साथ नहीं देना, सिर्फ जो आपको अच्छा लगे वो आप पहले दे करके यहाँ पर प्लॉट ले सकते हैं। इनका नेचर और स्वभाव बहुत अच्छा लगा, तो अच्छा, ये नेचर स्वभाव अच्छा लगा। और जहाँ पर आपने साइड देखी है वो बताइए, वो बहुत अच्छी लगी। पहले तो इंसान अच्छा लगना चाहिए ना, तभी तो आगे देखेंगे ना। साइड भी अच्छी मिल रही है, आलम भाई भी अच्छे मिल रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम आ गए हैं एक बार फिर से आलम प्रॉपर्टीज। आपको बताएं आलम प्रॉपर्टीज पर आपको बने बनाए जड़ से घर मिलते हैं और आलम भाई का ऑफिस कुछ इस तरह से आपको मिल जाता है। एक बार चलते हैं अंदर, देखते हैं वहां पर काफी लोग आए हुए हैं। आलम प्रॉपर्टीज जहां पर आपको इस तरह से किलो के हिसाब से इनके पास रजिस्ट्रियां होती हैं और सबसे बड़ी चीज एकड़ के हिसाब से जमीनें होती हैं और लोग यहां पर खरीदते हैं हजारों गज के हिसाब से। बाकी आप लोगों को अगर चाहिए 50-100 गज का प्लॉट भी यहाँ पर मिल जाएगा। सबसे बड़ी चीज दोस्तों, एक ऐसी कंपनी जो आपको पहली बार यानी घर को बना करके दे रही है, आज तक दिल्ली में या पूरे इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है जैसा यहाँ पर होने वाला है। तो एक बार फिर से हम आ गए हैं आलम भाई के पास। तो आलम भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सभी भाइयों को अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। और मैं आपका आलम चौधरी, ठीक है जी, आपका भाई, आपके लिए प्रॉपर्टी लेकर आया हूँ। दोस्तों जैसे कि आपको बताया, आलम भाई का कोई भी किसी तरह से इंट्रोडक्शन देने का तो मतलब ही नहीं है क्योंकि सभी लोग इन्हें जानते हैं। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पर देखो, ये रजिस्ट्रियां जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये तो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है, बाकी इनका नाम ही काफी है क्योंकि यहाँ पर आपको सारे लीगल और जेन्युइन काम मिलते हैं। सभी लोग कहते हैं कि वीडियोस के अंदर कि आप घर बना करके देते हैं या नहीं देते, तो मैं आपको एग्जैक्ट आलम भाई से पूछवा देता हूं अभी। आलम भाई, हमारे व्यूअर्स का एक कमेंट आता है कि जैसे हमने आपसे प्रॉपर्टी ली है, हम आपसे प्लॉट लेना चाहते हैं, हाँ जी, अगर हम आपसे कहें सर आप उसको बना करके दे दीजिए हमें एक मंजिल, हाँ जिसमें हम रहना शुरू कर सकें, हाँ जी, तो आपके पास ऐसा भी हो जाता है? हाँ जी, बना के देते हैं। मेन बात वो बैठे। अच्छा अच्छा, इन्होंने मुझे 30% इधर आओ, ये देखो, आप भी आओ। हाँ जी, हाँ जी, आप भी आ जाइए जी। तो दोस्तों इनको बना के दिया है मैंने। अच्छा जी। अभी 15 दिन हुए, 15 दिन के अंदर में लेंटर गिर चुका है इनका। क्या बात, ठीक है जी, आज लेंटर गिरा, क्या हो तो इनका प्लॉट भी दिखाएंगे, अभी हम चलते हैं, ठीक है। और इन्होंने मुझे ये मिठाई का डब्बा दिया है, ये लो जी। लेंटर गिरने अच्छा, की जो लेंटर यानी आज जो है ना मिठाई के डब्बे डब्बे आ रहे हैं सुबह, 4-5 डिब्बे आ चुके हैं मेरे पास। दोस्तों प्रॉपर्टी में लोग बाग इतने खुश है मुझसे कि काम सही करके दे रहा हूँ, लोग बाग इसलिए खुश है, ठीक है। दोस्तों प्रॉपर्टी के ऊपर हर रोज एक नया मकान बनता है, तकरीबन रोज 2 या 3 मकान भी आपको बनते हुए दिखाई देंगे। ये इनको बना के दिया हमने, ये देख सकते हैं। आप थोड़ा सा बता दीजिए जी अपने बारे में, आप कहाँ से हैं जी? मैं दिल्ली उत्तम नगर से हूँ, ठीक है जी। और मैंने भाई की वीडियो देख के ही आई थी, तो यहाँ पे इन्होंने मुझे बोला आप साइट देख लो, साइट देखने के बाद आप डिसाइड कर लेना, पर मुझे इनका नेचर और स्वभाव बहुत अच्छा लगा, तो वहाँ पे अच्छा, ये नेचर स्वभाव अच्छा लगा। और जहाँ पर आपने साइड देखी है वो बताइए, वो बहुत अच्छी लगी। पहले तो इंसान अच्छा लगना चाहिए ना, तभी तो आगे देखेंगे ना। तो दोस्तों देखो यहाँ पर आपको साइड भी अच्छी मिल रही है, आलम भाई भी अच्छे मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज, आपने जैसे अभी प्लॉट लिया है और हाँ जी, इनसे बनवा करके लिया है 100 गज का प्लॉट, बिल्कुल, तो 100 गज के प्लॉट में बनाने में तो जी बहुत पैसा लगता है, तो आपने फिर भी कितना परसेंट पहले दिया है? सर मैंने 30% इनको दिया है, उसके बाद मैं फाइनेंस करवा रही हूँ किस्तों में, दिन दिन से। हाँ जी, ठीक है। तो दोस्तों आप सिर्फ 30% आपको पहले देने, बाकी का पैसा आपको किस्तों पे देना है। और सबसे बड़ी चीज दोस्तों, एक और यहाँ पर प्रोग्रेस हो चुकी है, जैसे कि सर आपके ऑफिस के सामने बिल्कुल हमने अभी रोड दिखाया, ये हाईवे निकल रहा है, इसका नाम है 709B के, ठीक है जी। और ये अभी 4 लाइन का है पर 8 लाइन का हो रहा है, ये 300 कुछ फीट का रोड है, ठीक है। ये अक्षरधाम से सीधा देहरादून पे टच है। और जी जैसे हम कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर हमें आगे खजूरी पुस्ता मिल जाता है, ये खजूरी पुस्ता सब
करावल नगर के टच में है ये साइड, सभापुर दिल्ली 94 में पड़ता है, इसके ही बराबर में है। ठीक है, तो दोस्तों आपको लेकर के चलते हैं, अभी जो मैम ने वहाँ पर प्लॉट लिया, जो घर बन रहा है वो किस तरह से बन रहा है वो भी हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आपको ये रोड मिलता है जो कि खजूरी पुश्ते वाला रोड है। तो सर बताइए इसके बारे में, अगर कोई जैसे दिल्ली से आ रहा है बाई चांस वो खजूरी पर उतर जाता है या भजनपुरा के आसपास उतरता है, तो उसे ऑटो से यहाँ पे किस तरह से आना होता है? उसको बोलना होगा खजूरी पुश्ता रोड पूजा कॉलोनी जाना। ठीक है जी जी। और ये सामने जो हमारा पूरा एक टी पॉइंट आ गया, इसके बारे में बताएं। यहाँ पे गोल चक्कर बनेगा। ठीक है जी। ये रोड सीधा आपका देहरादून एक्सप्रेस हाईवे पे जा रहा है। ठीक है जी। इस पे काम चल रहा है, सिक्स लाइन का रोड बनना है पूरा। और ये राइट हैंड की तरफ से ये आपका गोल चक्कर जाता है। ठीक है, यानी सादरा। सादरा, हाँ जी। ठीक है जी। और यार भाई में तुम्हारा सिद्धार मेट्रो स्टेशन पड़ता है, यहाँ से 3 से 3.5 के आसपास। ठीक है, तो दोस्तों देख सकते हैं इसी रोड पर आपको ये प्रॉपर्टी मिलती है जो हमारी प्रॉपर्टी पे रास्ता जाता है। सर इस गेट का क्या नाम है? ये है रंजीत सिंह गेट। ठीक है जी। और यहीं से हमारी साइड की एंट्री है, दो तीन रास्ते आगे से भी है, टोनिका सिटी से भी जा सकते हो। ठीक है जी। एक रास्ता ये देख सकते हैं पूरा गेट बनाया हुआ है, और आपको ई रिक्शा वगैरह सब मिलता है अंदर जाने के लिए। क्या बात है, ये देख सकते हैं, यानी इसी तरह के ई रिक्शा से हम अपनी प्रॉपर्टी पे जा सकते हैं। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। तो सर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर काफी लोग रह रहे हैं और दुकानें भी बनी हुई है, तो यहाँ पर डेली नीड की सारी चीजें मिल जाती है। हाँ जी। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों इस तरह से प्रॉपर मार्केट आपको मिलती है। अगर हम बात करें इस बसावट की, तो ये कितने टाइम से ये सारी चीजें, 2 से 3 साल के अंदर अंदर इतनी बसावट हुई है। क्या बात है, देख सकते हैं दोस्तों लोगों ने यहाँ पर कोठियां बनाई हुई है, इस तरह से बड़े बड़े घर बने हुए, और यहाँ पर एक स्कूल भी है जो ये सीआरसी पब्लिक स्कूल है। ठीक है, ये देख सकते हैं ये आपको बिल्कुल प्रॉपर्टी के पास मिलने वाला है। देखो सरकारी राशन की भी सुविधा है, ये राशन दफ्तर है, सभी राशन की लाइन है। ठीक है जी। दोस्तों ये जो आप मेन रोड देख रहे हैं पूरा पक्का रोड बना हुआ है, ये सर हमारा रंजीत गेट से आ रहा है जी, जो कि मेन सहारनपुर रोड से आ रहा है। ठीक है जी, जी। अभी इस रोड पर दोस्तों हम खड़े हुए हैं, और आप हमारे राइट हैंड की तरफ देखिए, ये सारा कमर्शियल एरिया, सारा फैक्ट्री है, यानी कह सकते हैं हम ट्रॉनिका सिटी का जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है वो सारा आपको यहाँ पर मिलने वाला है, और बिल्कुल इसी के साथ आपको ये रोड मिलता है। अब इस रोड के इस साइड में देखिए आप, ये सारी हमारी कॉलोनी है सर, ये सारी कॉलोनी है, यहाँ पर आपको 50 गज 100 गज जितना चाहे आप उतना ले सकते हैं, और ये आपको इस तरह के मकान बना करके देंगे। सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों आलम भाई का विश्वास है लोगों पर, यहाँ पर आपको ओनली 30% पहले देना है, बाकी का किस्तों पे देना। अभी हम आ गए बिल्कुल एग्जैक्ट प्रॉपर्टी पर, यहाँ पर देख सकते हैं यही वो घर है जो मैम ने खरीदा है। मैम यही है आपका घर? हाँ जी, यही है। ये देख सकते हैं दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये 100 गज का मकान है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक पूरा देख सकते हैं। तो मैम किस तरह से बना रहे हैं आप इसे? जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ बीच में रास्ता हो गया अंदर जाने का, ये रास्ता हो गया। ठीक है जी, ठीक है। और इधर एक दुकान निकलवाई है हमने। क्या बात है, देख सकते हैं। आलम भाई ने बोला था कि दुकान निकलवा लो। अच्छा अच्छा, तो आपकी दुकान, ये नया एरिया है अभी, हाँ, तो चल जाएगा इसमें, रेंट पे चली जाएगी, रेंट पे भी चल ले सकते हैं, अपने भी खोल सकते हैं आप दुकान। तो दोस्तों देख सकते हैं यानी कि किस्त तो आपकी दुकान के रेंट से चली जाएगी, और सबसे बड़ी चीज यहाँ पर आपको जो किस्त का टाइम दिया जा रहा है उसमें भी कोई ऐसा नहीं है कि आपको इतने साल में देनी है, नहीं नहीं, आपको जो अच्छा लगता है 2 साल 3 साल में आप बहुत ही आसानी के साथ दे सकते हैं। एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा, पानी की टंकी देख सकते हैं आप ऊपर घर पे यहाँ पर लगी हुई है, और यहाँ पर देख सकते हैं लोग यहाँ पर ऑलरेडी पहले से रह रहे हैं, पानी की टंकी बिजली की व्यवस्था सारी आपको यहाँ पर मिल जाती है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये जो घर बन रहा है, आप देख सकते हैं पूरा लेंटर के साथ बनाया जा रहा है, जैसा माल आपको चाहिए वैसा माल आपको लगा करके दिया जाएगा। यहाँ देख सकते हैं ऊपर लेंटर डल चुका है, कंप्लीट हो चुका है, और लड्डू भी बट चुके हैं, लड्डू भी आज हमने खा लिए। क्या बात है दोस्तों, यहाँ पर हर रोज कहीं ना कहीं लेंटर डलता है, एक घर रोज बनता है, इस तरह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और रह रहे हैं, पूरी बसावट आपको यहाँ पर मिल रही है। यह चारों तरफ देख सकते हैं, पूरी व्यू देखो यहाँ का, ये देख सकते हैं इधर भी घर हैं उधर भी हैं, वह सामने देख सकते हैं कितने सारे लोग रह रहे हैं, और देखो सभी के पास अपना कन्वेंस है, गाड़ी है, बाइक है। और यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है आपको पैसा एक साथ नहीं देना है, सिर्फ 25 से 30% या 40% जो आपको अच्छा लगे वो आप पहले दे करके यहाँ पर प्लॉट ले सकते हैं। तो हन्नी जी मैं देख रहा हूँ आलम भाई ने तो कोई जगह ऐसी नहीं छोड़ी है जहाँ पे घर ना बना रखा हो, यानी हर जगह आपको दोस्तों देखो घर यहाँ पर बने हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे हमने 80 से 85 घर हमने खुद बना के दिए, 80-85%, यानी दोस्तों पूरी जमीन पर 80 से 85% घर आलम भाई ने बना के दिए, कुछ लोगों ने प्लॉट लेकर के डाले हुए वो इन्वेस्टमेंट के लिए,
और अभी देखो एक और घर का काम चल रहा है दोस्तों, एक घर सामने बनना है, तो हन्नी भाई ये भी आप बनवा रहे हैं? जी हम ही बनवा रहे हैं, 150 गज में है पूरा। ठीक है जी, जी। और दोस्तों मटेरियल की बात करें तो हम यहाँ पर आपको मटेरियल जैसा चाहिए वैसा आप लगवा सकते हैं। मटेरियल की यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सब चीज अपने घर की है बिल्कुल। क्या बात है, यानी अच्छी क्वालिटी का मटेरियल आपके सामने लगाया जाएगा, आप चाहे तो यहाँ पर रहिए चाहे नहीं रहिए, आपको मकान यहाँ पर बना बनाया मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज है जैसे कि सर ने बताया, लोकेशन की हम एक बार और बात कर लेते हैं। अगर आप दिल्ली से आते हैं भजनपुरा खजूरी पुस्ते से, पूजा कॉलोनी वाला रोड सीधा आपको मिलेगा, जीवन गेट पर आपको उतरना है, जहां पर हमारे ऑफिस है, आलम भाई का ऑफिस है न्यू आलम प्रॉपर्टी के नाम से। ठीक है जी, जी। अब वहां से थोड़ी सी आगे आप आएंगे तो सर ये जगह हमारी किस जगह पर कहलाती है? ये टोनिका सिटी के नियर बाय में पड़ती है, राजनगर। राजनगर तो उससे थोड़ी सी आगे 1 से 1.5 या 2 किलोमीटर आगे आपको ये पूरा राजनगर मिलने वाला है, जहां पर आपको इस तरह के प्लॉट मिलने वाले और पूरी बसावट के बीचों बीच ये घर बना करके दे रहे हैं। ये बिल्कुल टोनिका सिटी के बिल्कुल बैक साइड में, आप टोनिका सिटी दिखा सकते हैं, सामने फैक्ट्री एरिया, ये सामने सारा फैक्ट्री एरिया है जो कि टोनिका सिटी का फैक्ट्री एरिया कहलाता है। अगर 25 से 30% यहाँ के बंदे सब फैक्ट्री में काम करने जाते हैं लेडीज, ठीक है, यानी रोजगार की कोई दिक्कत नहीं, रोजगार की कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी एक चीज और पूछना चाहूंगा, जैसे यहाँ पर कोई प्लॉट लेना चाहता है तो वो कितने गज तक का ले सकता है मिनिमम? मिनिमम आप ले सकते हैं 25 गज 20 गज 30 गज, जो आपका बजट हो उतना ले सकते हैं आप। ठीक है जी, और दोस्तों मैंने आपको दिखाया था इनके पास इंडिया में हर स्टेट से लोग आ रहे हैं, ऑफिस पे डायरेक्ट आते हैं, कोई सर उत्तराखंड के हमने दिखाए थे, बिहार के लोग दिखाए थे, यानी लोगों का इतना ट्रस्ट है आलम भाई पर, आलम भाई के पास आकर के प्लॉट लेते हैं और बना करके यहाँ पर रहने लग जाते हैं। अगर आप कहीं से भी बाहर से आते हैं किसी जगह से भी, हाँ जी, तो आप जहाँ पे स्टेशन पे या कहीं भी उतरते हैं तो वहाँ से आपको पिकअप करवा लेंगे। क्या बात है, ठीक है, उसकी बार हर चीज की सुविधा है उस चीज की। ठीक है जी, एक बार हम चलते हैं सामने नीचे, आपको दिखाते हैं वहाँ पर किस तरह से लोग रह रहे हैं, ये देख सकते हैं पूरी बसावट है और ये सारी कॉलोनी हमारी है, टोटल हमने बना के दिया आधे से ज्यादा बंदों ने। ठीक है जी, आप बाहर से देखिए कितना अच्छा घर बना हुआ है, देख सकते हैं, यानी पूरा इन्होंने इस तरह से बनाया हुआ है और यहाँ पर देखो दुकान भी निकाली हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर आप अपनी खुद से दुकान कर सकते हैं क्योंकि चारों तरफ आपको बसावट मिल रही है, आप चाहे तो रेंट पे भी दे सकते हैं। अगर हम बात करें इन्हीं से पूछ लेते हैं, ये मैं पूछना चाहूँगा आपने जो ये घर लिया है ये बना हुआ लिया या आपने खुद से बनाया? प्लॉट लिया था, तो बनाने में आपकी क्या हेल्प करी हमारे आलम भाई ने? वो कहते हैं मटेरियल अगर चाहिए और जगह से भी लोग हम भी दे देंगे, आपकी हेल्प हो जाएगी। क्या बात है, यानी दोस्तों अगर आप यहाँ पर प्लॉट खरीदते हैं तो आप खुद से भी बना सकते हैं, सारा मटेरियल आपको आलम भाई प्रोवाइड कराने वाले जो बहुत ही अच्छे रेटों में देते हैं। और सबसे बड़ी चीज अगर आप प्लॉट खरीद रहे हैं तो उसको बनवा भी सकते हैं आलम भाई से, सिर्फ 25 से 30% आपको पहले देना है, बाकी का पैसा किस्तों पे देना है। तो हन्नी भाई बिल्कुल यही है जी, बिल्कुल। अगर हम बात करें इस घर की तो देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा काफी अच्छा घर बना हुआ है। हन्नी भाई थोड़ा सा दिखाइए हमारे व्यूअर्स को, ये देख सकते हैं काफी बड़ा घर है सर। कितने गज में होगा ये? 75 गज में है जी, 75 गज का घर है, देख सकते हैं काफी अच्छा बना हुआ है। तो इस तरह से सामने दो रूम है, इन्होंने आंटी जी ने दुकान दी यहाँ पे, ये किचन है आपका, अंदर आके देख लो, अंदर आ जाओ, ये सामने किचन दिखा दिया इन्होंने। ठीक है, ये सामने दो कमरे हैं, ये जीना है आपका इधर इस साइड में, ठीक है, आपका लैट्रिन बाथरूम कर रखा है। और देखो पंखा भी चल रहा है यहाँ पर। बिजली के लिए और पूछ लेते हैं एक बार, थोड़ा सा बिजली के लिए पता करते हैं, बिजली का बता दीजिए, बिजली कितने टाइम तक आती है यहाँ पर? यानी कि 20 से 22 घंटे आपको बिजली मिल जाती है। तो दोस्तों बिजली की भी यहाँ कोई परेशानी नहीं है, पानी भी आपको यहाँ पर हमेशा मिल जाता है। दोस्तों ऑफिस पर इतने सारे लोग आए हुए हैं, क्राउड बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए आलम भाई अभी ऑफिस पर सारा काम संभाल ले जी। तो हमारे साथ हन्नी भाई हैं, तो हन्नी भाई ये चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यहाँ पर जो आप प्लॉट प्रोवाइड करा रहे हैं तो कितने रुपए पर गज मिल जाता है यहाँ पर? यहाँ पे 8,000 से स्टार्टिंग है हमारे पास, 18-19 हजार रुपए गज तक है, 12-13 साइड चल रही है, जहाँ आपको पसंद लगेगा वही दे देंगे। यानी 210 से 212 लोकेशन है इनकी, वहाँ पर आपको 8,000 रुपए पर गज से रेज स्टार्ट जाता है, बाकी आगे आप जितना चाहें ऊपर जा सकते हैं, जैसी लोकेशन वैसे प्राइस आपको यहां पर मिलने वाले हैं। तो अगर हम बात करते हैं सर यहां पर कोई आना चाहे, आप विजिट किस तरह से कराते हैं, आपका ऑफिस एड्रेस कहां पर है, कैसे आना होता है? ये हमारा ऑफिस एड्रेस खजूरी से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पड़ेगा। ठीक है जी, ये जीवन गेट पर पड़ता है हमारा ऑफिस, आलम प्रॉपर्टी के नाम से। सर दिल्ली से दूरी की बात करें कितनी दूरी पर पड़ेगा? दिल्ली से हमारा ऑफिस पड़ेगा आपका 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक है, तो दोस्तों आप जल्दी से जल्दी आइए आलम प्रॉपर्टीज पर, आपको बहुत ही सारे ऑप्शन वाले प्लॉट्स के और बने बनाए घर के। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक जरूर करें, हमारे चैनल सिराज सैफी को सब्सक्राइब करें और साथ में होगा एक घंटे का बटन यानी बेल आइकन, उसको जरूर दबाएं। तो इसी के साथ हम चलते हैं, आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय एंड टेक केयर।